वेलकम बैक टू इकोनॉमिक चैनल। टुडे वी डिस्कस क्लासिकल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आज हमने इकोनॉमिक ग्रोथ का क्लासिकल मॉडल जो है ना इसको डिस्कस करना है। एडम स्मिथ एंड रिकार्डो बोथ फॉर द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। एडम स्मिथ और रिकार्डो थे ना, ये दोनों ही क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। दे हैड मच मोर सिमिलरिटी इन देयर मॉडल ऑफ ग्रोथ। ये ग्रोथ मॉडल थे ना, इन्होंने लिखे थे अपना अपना, उन दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी थी, एक जैसे थे। लेकिन आजकल ना एक मुकम्मल क्लास की मॉडल पेश करने का रिवाज है, जो स्मिथ रिकार्डो जीएस मिल और माल्थर जो थे ना इकोनॉमिक के हवाले से ना दिए गए नजरियात पर मुश्तमिल है। लेकिन अब जो है ना इसके जो फीचर्स है उसको वन बाई वन जो है ना हम रीडिंग करते हैं। तो फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक तो क्लास की महरीन थे ना इक्तसादियात के मुताबिक, अगर मेहनत की मकदार को एक मकसूद समझा जाए तो पैदावार की मकसूद सतह पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती है। उन्होंने क्या कहा था, जो इसकी मेहनत की मकदार है ना इसको मकसूद समझा जाए और जो पैदावार की मकसूद सतह पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती है, और जो लेबर है ना इसको जो भेजे जाए पड़े वो उसके जो रोजी मजदूरी है ना वो दी जाए जो उसके भेजे हैं डेली बेस पे। सेकेंड है द अमाउंट ऑफ सरप्लस विच इज अर्न्ड बाय द कैपिटलिस्ट विल बी यूटिलाइज्ड इन कैपिटल एक्युमुलेशन। जो सरप्लस की जो रकम थी ना, जो सरमायादारों की तरफ से कमाई जाएगी, सरमाया जमा करने में इस्तेमाल की जाए, सरमाया के जमा होने में इजाफे से मेहनत की तलब में इजाफा होगा। जो सरमायादार थे ना उनकी जो सरप्लस रकम थी ना, उसके जो पैसे थे ना वो जमा किए जाए, जमा करके फिर उन्हें ना यूटिलाइज किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। इस तरह से अगर कैपिटल एक्युमुलेशन है ना उसमें इंक्रीजमेंट आएगा ना, जो डिमांड फॉर लेबर है ना उसमें भी इजाफा हो जाएगा, उसमें भी इंक्रीजमेंट आएगा। अगर जो कंट्री है ना उसके जो पॉपुलेशन है ना वो एक हद तक मुकर्रर ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं, तो उसके जो लेबर है ना उसके जो वेजेस मिलेंगे ना वो ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। ये ना अगर कंपटीशन कर रहा है जहाँ दो बंदे की जरूरत है तो वहां पे 10 आ गए, तो जो काम देने वाला है ना वो कोशिश करेंगे कम पैसे दे के काम करवाए, क्योंकि उसे जो लेबर है ना वो ज्यादा नजर आ रही है, इसलिए वो पूरे नहीं देगा। अगर वो कम होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, तो पूरे हर बंदे को वेजेस मिलेंगे, बल्कि उससे ज्यादा भी मिलने के चांसेस है। अगर माल्थस के नजरिए को देखते हैं, जो आबादी है ना उसको अगर कंट्रोल करते हैं, उसी करते हैं, तो माशी उजरत जो है ना आबादी में इजाफा होगा। तो थर्ड पॉइंट है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन द मैन पावर विल इंक्रीज ड्यूरिंग डिक्रीज वेजेस। अगर आबादी जो है ना उसमें इंक्रीजमेंट आया, उसमें इजाफा हुआ, तो इसकी वजह से जो मैन पावर है ना फर्द कुआ था उसमें भी इजाफा हो गया, क्योंकि आबादी ज्यादा, काम करने वाले ज्यादा, तो इसलिए जो कुआ था ना वो भी बढ़ जाएगी अफराद की। इससे क्या होगा, जो इससे पहले बताया कि जिस तरह से ना इसकी उजरत है ना वेजेज है वो कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि काम करने वाले जो है ना वो ज्यादा हो जाएंगे और काम करवाने वाले है ना वो कम हो जाएंगे। इसी तरह से ना वो जो वेजेस है ना उस पर वापस आ जाएंगे और जो प्रोड्यूसर है ना वो सरप्लस हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है, द सरप्लस अर्न्ड बाय द कैपिटलिस्ट विल बी रिप्लॉयड बाय देम लीडिंग टू इंक्रीज द डिमांड फॉर लेबर। अब इसके अंदर जो सरमायादार है ना उनके जरिए कमाया गया जो सरप्लस होता है ना वो दोबारा इस्तेमाल करेंगे, जिससे मेहनत जो है ना उसकी जो डिमांड है उसमें इजाफा हो जाएगा, और वही अमल होगा जिसका हमने ऊपर जिक्र किया है। फिफ्थ पॉइंट है, दिस डायनामिक प्रोसेस विल कम टू एन एंड व्हेन डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई इन प्रोडक्शन। फिफ्थ में यह बताया गया कि ये मुतहरक अमल इस वक्त खत्म हो जाएगा जब पैदावार में कम होने वाली जो वापसी है ना उसका जो है ना इतलाक होता है। यहाँ जो मेशत है ना उसकी तरफ से पैदा होने वाली जो कुल पैदावार है ना वो जो लेबर होती है उसको दे गई उजरत के बराबर हो जाती है। इस तरह जो प्रोड्यूसर रहते हैं ना उसको कोई ज्यादा आमदनी नहीं हो रही होती। इस सूरत हाल से न सिर्फ सरमाया जमा होगा, न सिर्फ पैदावार में इजाफा होगा और ना ही आबादी में इजाफा होगा। इसको अब हम एक फिगर के जरिए ना रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो वाई एक्सिस है ना उस पर कुल पैदावार जो है ना वो दिखाया गया है, और जो एक्स एक्सिस है उस पर लेबर को शो किया गया है, और जो
ओ डब्ल्यू है ना, ये जो वर्कर होते हैं ना, उसके उजरत होते हैं, वेजेस होते हैं ना, उसको जाहिर कर रहा है। अगर आबादी की सतह ओ एन है और आउटपुट जो है ना उसकी जो लेवल है ना वो ओपी पर है, या जो फीकस उजरत होगी ना वो एन आर पर होगी, इसी तरह जो सरप्लस है ना, प्रॉफिट जो होगा ना वो आर जी पर होगा। इसी जो सरप्लस की वजह से जो सरमाए की तश्कील का अमल शुरू होता है ना, इसके नतीजे के तौर पर जो लेबर है ना उनकी जो डिमांड है ना उसमें इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से जो वेजेज है ना उसमें इजाफा होता है जब वो जी एच में जाते हैं। अगर मुल्क की जो आबादी है ना, कंट्री की पॉपुलेशन है ना, वो ओ आन पर मुस्तकिल रहती है, स्टेबल रहती है, और जो वेजेज है उजरत है ना उसके मुकाबले उजरत जो है ना एन जी ग्रेटर देन होगा एन आर से, तो आबादी और जो वर्किंग फोर्सेज थी ना वो ओ एम पर यानी के साथ बढ़ेगी। आबादी में जब इजाफा होगा तो इसकी वजह से सरप्लस को दोबारा बनाया जाएगा और इसे दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह जो ये जो अमल है ना उस वक्त तक जारी रखा जाएगा जब तक ये मवेशियत है ना ई पॉइंट तक ना पहुंच जाए, जैसा कि फिगर में तीर की जो है ना एरो बने हुए हैं उसकी जो मूवमेंट हो रही है ना उसके जरिए दिखाया गया है। पॉइंट ई जो है ना वो एक स्टेबल सूरत हाल की नुमाइंदगी कर रहा है, जहाँ पर जो वेजेज है ना और पैदावार है ना वो आउटपुट जो है ना वो बराबर हो जाते हैं और कोई इजाफा जो है ना इंक्रीजमेंट जो है ना वो नहीं हो रहा होता। इसी तरह से जो सरमाए की जमा और पैदावार के उसी अमल है ना वो अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा। ये सोचते हैं कि अगर कंट्री में तकनीकी पेशी रफ्त होती है तो पैदावार का जो काम है ना ऊपर की तरह मुंतकिल हो जाएगी, जैसे कि टीपी ने दिखाया है कि इंजीनियर में वर्कर ही मरकरान जो भी है। ब्रेन के मजीद कहना है कि जो माशी जगहों और साकन हालत है ना जो स्टेबल होती है हालत, इसके को मुलतवी किया जा सकता है लेकिन इससे बचा नहीं जा सकता। इसकी जो हालत है इसको थोड़ी देर के लिए रोका तो जा सकता है लेकिन वो मुस्तकिलन तौर पर बच नहीं सकते। अब हम पढ़ते हैं क्लासिकल मॉडल की जो लिमिटेशन है ना, इसकी जो हद बंदी की गई है, अधूरे है ना लिमिटेशन, जिसको पढ़ते हैं। फर्स्ट है दिस मॉडल इग्नोर द रोल विच टेक्निकल प्रोग्रेस कुड प्ले। इस मॉडल ने इस किरदार को नजरअंदाज किया है जो तकनीकी पेशरफ्त अदा कर सकती है। ये तकनीकी पेशरफ्त है जो कम होने वाले मुनाफा के किरदार को कम कर सकती है। इस मॉडल ने ना इस रोल को इग्नोर किया है जो टेक्निकल प्रोग्रेस जो है ना उसको प्ले कर रहा था, और ये टेक्निकल प्रोग्रेस है जो कम होने वाले जो मुनाफा है ना प्रॉफिट है ना उसके किरदार को कम कर सकती है। दूसरी लिमिटेशन है अकॉर्डिंग टू आयरन लॉ ऑफ वेजेस द वेजेस कैन नॉट एक्सीड एज वेल एज गो बिलो द सब्सिस्टेंस लेवल। के लोहे के कानून जो है इसके आयरन लॉ है बड़ा, इसके मुताबिक जो वेजेस है अपने खास लेवल से नीचे नहीं जा सकते, लेकिन सनती ढांचे और जो माशी तरक्की है ना उसमें चेंजेस की वजह से ना जो वेजेस है ना उसके कानून जो कानून बनाए जाते हैं उसमें उजरत के लिए तयन का कानून जो है ना उसके तौर पर तस्लीम नहीं किया जा सकता। मजीद इसको हम ये भी कह सकते हैं क्लासिकल जो माहरीन थे ना उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मुताबिक जो लेबर थे ना उसके काम किया है जो वेजेस के तयन में अहम किरदार अदा करती है, लेकिन ये गलत है कि उजरत जो है ना वेजेस का तयन जो है ना मजदूर की तलब जो डिमांड होती है उनमें लेबर जो होते हैं उसकी जो सप्लाई होती है ना दोनों से होता है। इसके अंदर जो क्लासिकी मॉडल है ना उन्होंने जब ये सर्च वगैरह की तो उजरत के जो तयन है ना उसमें उन्होंने ट्रेड यूनियन होती है ना उसके किरदार पर गौर नहीं किया था। थर्ड लिमिटेशन है द डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ एडवांस्ड कंट्रीज हैज आल्सो रिजेक्टेड मार्क्सियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तरक्की याफ्ता जो कंट्रीज है ना उसमें जो तरक्की जो होती है ना डेवलपमेंट होती है उसके तजर्बे हैं तो ने मार्क्सियन जो होते हैं ना नजरिए उसकी आबादी को मुस्तरद कर दिया था। मार्क्स की पैरवी करने वाले क्लासिकल जो माहरीन थे ना मुआशियात जो थे ना क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का ख्याल था कि जब भी इजरत जो होगी वेजर जो होगी ना एक सतह से ज्यादा होती है तो ज्यादा बच्चे पैदा करने का रुझान पैदा होता है ना, जिसकी ज्यादा आमदनी होगी ना जिसके पास ज्यादा वेजर आ रहे हैं ना वो ज्यादा अपने बच्चे पैदा करेगा,
लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि जो शादियां है ना करने के बजाय लोग ऐशो इशरत की खरीदारी के लिए, या जब कि इनकी उजरत है ना वो बढ़ जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि जब एक बंदा लेबर है उसके वेजेस बढ़ जाते हैं तो वो शादियां करवा लेता है अपने दो तीन करके, एक बच्चे पैदा करता रहता है। ये जरूरी नहीं है, इसके अलावा और भी उससे जरूरत पड़ सकती है, अपनी ऐशो इशरत से जिंदगी भी गुजार सकता है, अच्छा सा घर बना सकता है रहने के लिए, अच्छे कपड़े पहन सकता है। तो फोर्थ पॉइंट है, द क्लासिकल मॉडल फेल्स टू इनकॉर्पोरेट ऑल दोज कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक वेलफेयर। क्लासिकल जो मॉडल था ना, इन तमाम पेचीदा मामले जो है ना उसको शामिल करने में नाकाम रहता है। जो पुअर कंट्रीज हैं पर उसकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना उसको मुतासर करते हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है ना उसमें सरमाए की बड़ी कमी है, थोड़ी उसमें जो सरमाया है ना वो बहुत कम है, पड़ा सरमाए के जमा होने के अलावा मार्केट जो तरक्की है ना उसमें काफ़ी तजीब रवायात जो है ना और उन लोगों की जो इरादा दारा है जाती है ना तरतीब से भी मुतासर होती है। क्लासिकल मॉडल है, इनमें सबके जांच नहीं की गई है। तो ये था आज का हमारा लेसन, थैंक यू।